करें शुरू जी? यस सर। ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी टू बी हियर विद यू। एंड एज यू ऑल नो दैट टुडे वाज द फेज वन ऑफ द एट फेज्ड डीडी इलेक्शंस, डीडीसी इलेक्शंस। फेज वन की इलेक्शन सारे जम्मू कश्मीर में सभी 20 जिलों में थी और एक सक्सेसफुल तरीके से हुई है। वोटिंग परसेंटेज की फिगर अभी आपके साथ में शेयर करेंगे। कोई इंसिडेंट इलेक्शन में नहीं हुआ है, सिर्फ एक छोटा सा इंसिडेंट एक पोलिंग स्टेशन में एक किसी बच्चे ने पत्थर फेंका है और उसमें पुलिस ने उसको उसकी कॉग्निजेंस ली है। इलेक्शन अदरवाइज लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव कम आउट एंड आई वुड लाइक टू गिव यू द डेटा। 43 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैड गॉन फॉर पोल्स। आउट ऑफ 7 लाख इलेक्टर्स 51.76% हैव वोटेड ऑल ओवर जम्मू एंड कश्मीर। 2,12,244 पीपल कास्ट देयर वोट्स इन जम्मू प्रोविंस, जम्मू डिवीजन, एंड 1,50,522 इन कश्मीर डिवीजन। वोटिंग परसेंटेज इन जम्मू डिवीजन इज 64.2%, इन कश्मीर डिवीजन इट इज 40.65%। ओवरऑल जो वोटिंग रही है जम्मू कश्मीर में वो है 51.7%, जम्मू प्रोविंस में 64%, कश्मीर डिवीजन में 40%। सबसे ज़्यादा वोटिंग जम्मू प्रोविंस के जिला रियासी में हुई है, जहां पर के पोलिंग परसेंटेज 74.6 रही है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट राजौरी में पोलिंग परसेंटेज 70.52 रही है, 70.5। पुंछ में 68.69% रही है। सांबा में 68.61 रही है। सारे जिलों की जम्मू प्रोविंस की जो पोलिंग परसेंटेज है वही भी आपको इसका स्टेटमेंट हम दे रहे हैं। कश्मीर में सबसे ज़्यादा पोलिंग परसेंटेज बडगाम डिस्ट्रिक्ट में रही है, 56.96%। बड़गांव में 56.9% वोटिंग परसेंटेज रही है। नंबर दो कश्मीर में कुपवारा में रही है, 50.74%। नंबर तीन गांदरबल में 48.62%। साउथ कश्मीर के हमारे डिस्ट्रिक्ट्स शोपियां में पोलिंग परसेंटेज 42.58% रही है। ओवरऑल जैसे मैंने आपको बताया कि 51.76% वोटिंग परसेंटेज रही है। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो फेज़ वन की थी, इसमें 43 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पोलिंग में थी, कश्मीर प्रोविंस में 25 और जम्मू प्रोविंस में 18। साथ ही साथ पंचायत के बाई इलेक्शन और सरपंच के जो बाई इलेक्शन हैं हल्का पंचायत के, वो भी आज हुए हैं। उनकी वोटिंग परसेंटेज अभी हम कंपाइल कर रहे हैं। जैसा आपको मालूम है कि हल्का पंचायत की जो बाई इलेक्शन हैं और 25 की जो इलेक्शन है उसकी काउंटिंग भी आज होगी, तो आज जितना टाइम इसमें लगेगा ये काउंटिंग उसकी चलती रहेगी। और जो डीडीसी है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, इनकी काउंटिंग जैसा आप ऑलरेडी जानते हैं ये 22 दिसंबर को होगी। सुबह से लोगों का काफ़ी इंतज़ाम रहा। मॉर्निंग आवर 7 से लेकर 8 बजे ही हमारे पास जो रिपोर्ट आई, वोटर्स ने पोलिंग स्टेशन में जाके वोट डालना शुरू किया। कोविड की प्रोटोकॉल्स की एहतियात की गई पोलिंग स्टेशन में, और मेन विमेन यंग वोटर्स, मेल्स फीमेल्स और यंग वोटर्स सभी देखने को मिले, जो हमारे पास पिक्चर्स आ रही हैं। आपने भी मीडिया के जो आपके सोर्सेज हैं और जो मीडिया चैनल्स हैं उसमें भी काफ़ी दिखाया जा रहा है ये। और मेरा कहने का मतलब है कि बैलेंस्ड पार्टिसिपेशन है, ये नहीं है क्योंकि पर्टिकुलर ग्रुप के लोग इसमें वोट कर रहे हैं, जो एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है। नंबर ऑफ़ फीमेल वोटर्स और नंबर ऑफ़ मेल वोटर्स, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। 3,62,000 लगभग जो वोट पड़े हैं उसमें 1,93,000 मेल हैं और 1,69,000 लगभग फीमेल्स हैं। ये है मेल और फीमेल की परसेंटेज।
सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में मैंने आपको बताया कि नॉर्मल रही है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शन में सब पार्टीज़ का पार्टिसिपेट करना, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का पार्टिसिपेट करना, ये जो आज का रिज़ल्ट है जो एक अच्छा दिख रहा है कि लोगों की पार्टिसिपेशन अच्छी रही है, इसके लिए जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ जम्मू कश्मीर की हैं जो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं उनकी पार्टिसिपेशन की सराहना करना आवश्यक होगा। जितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी भी प्रशंसा करना उचित होगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमारे वोटर्स हैं, इलेक्टर्स हैं, 3 लाख लोगों ने आज अपने 3,62,000 लोगों ने आज अपने घरों से निकल के सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक वोट डाले हैं। जैसा हम सबको मालूम है कि कुछ कुछ ज़िलों में इस समय काफ़ी सर्दी का मौसम चल रहा है, कुपवारा में, बांडीपुर में, कश्मीर में, लगभग सभी जगह में, किश्तवाड़ में, डोडा में, तब भी 3,62,000 लोगों का अपने घरों से निकल के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के 43 कंस्टिट्यूएंसीज के लिए चुनाव में पार्टिसिपेट करना एक सोसाइटी के लिए, जम्मू कश्मीर की जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, इसके लिए ये एक खुशी की बात है। अब हम इलेक्शन ऑफिस से फेज़ 2 के चुनाव जो हैं उसकी तैयारी ऑलरेडी चल रही थी, बट अभी चूंकि फेज़ 1 की DDC की पोलिंग आज कंक्लूड हो गई है, हमारी फेज़ 2 की तैयारियां भी साइड बाय साइड शुरू हो गई हैं। फेज़ 2 में भी 43 ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं कोइंसिडेंटली, जिसमें कश्मीर की 25 होंगी और जम्मू की 18 हैं। फेज़ 2 की इलेक्शन जो होगी वो है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को फेज़ 2 की इलेक्शन होगी सुबह 7 से लेकर 2 बजे तक। कोविड के लिए मैं एक बार फिर सब वोटर्स को जो अभी आने वाले फेजेस में पार्टिसिपेट करेंगे कहना चाहूँगा कि कोविड की जो गाइडलाइंस हैं इलेक्शन कमीशन से हमारे यहाँ से इशूड, और वैसे भी जो स्टेट गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल्स हैं उसको कोई भी वोटर ना भूले, चाहे कैंपेन है वो कहीं भी इलाके में हो रहा है, या वो वोटिंग वाले दिन की बात है जब आप 1 दिसंबर को आने वाली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट करने के लिए जाएँ। तो सभी भाइयों से, बहनों से, ये बड़ी हमारी खुशी की बात है, जैसे मैंने कहा अभी कि सारे लेडीज़ औरतें भी वोट करने के लिए जा रही हैं, मर्द भी वोट करने के लिए जा रहे हैं, आप सभी अपना मास्क पहन के घर से जाएं। हमारे पोलिंग स्टेशन में हमारे हेल्थ विभाग के लोग मॉनिटर कर रहे थे कि पोलिंग स्टेशन के अंदर में पूरी प्रोटोकॉल ऑब्ज़र्व हो रही है कि नहीं, तो ये पाया गया कि प्रोटोकॉल ऑब्ज़र्व हो रही थी, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग इसको फर्दर मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि चूँकि बहुत सारे फेजेस के लिए अभी कैंपेनिंग चल रही है और पोलिंग होनी है 7 और फेजेस के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरे मीडिया के बंधु जो जहाँ पर आए हुए हैं, आपके मीडियम से मैं सारे वोटर्स को जो जम्मू कश्मीर के हैं जिनकी इलेक्शन अभी नहीं हुई है, मैं आपको अपील करना चाहता हूँ कि आप मास्क पहन के ज़रूर घर से जाएँ, हर एक पोलिंग वाले दिन भी, और जो कैंपेनिंग है और जो आपकी इंटरेक्शन हो रही है कैंडिडेट्स के साथ में या पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ में, ताकि जम्मू कश्मीर में हम सब गर्व के साथ कह सकें 22 दिसंबर को जब काउंटिंग होगी कि हमने एक तो इलेक्शन करी है सक्सेसफुल तरीके से, दूसरा हमने कोविड पेंडेमिक में सुरक्षित इलेक्शन करी है। यही कहने के बाद मैं अपना जो स्टेटमेंट है इसको समाप्त करता हूं। जी सर, जिस तरह से इलेक्शन की टाइमिंग थी 7 AM से 2 PM तक, कश्मीर में सर्दी की लहर है खासकर 12 इलाकों में, लोगों का ये कहना है कि उन्हें टाइम नहीं मिला है 2 बजे के बाद, यानी कि लेट वो गए थे इलेक्शन वोट डालने के लिए लेकिन टाइम कम था, उन्हें टाइम नहीं मिला। दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि कश्मीर सूबे के ही लीडरों का कहना है कि कल देर रात पोलिंग स्टेशन चेंज किए गए जिस पे उन्हें तशवीश है। नवंबर के महीने में ठंड है और 7 बजे, ये पहले भी एक सुझाव आया था कि 7 बजे शायद ज़्यादा सर्दी होगी और इलेक्टर्स अपने घरों से नहीं निकलेंगे, लेकिन आज जब हमने मॉनिटर किया, हालांकि हमारा 2 घंटे के बाद में रिपोर्टें हमने ऑफिशियली मांगी थी, लेकिन कुछ कुछ दिनों से 1 घंटे के बाद भी रिपोर्ट आई और लोग घर से निकले। हमारे पास जो इमेजेस आई डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, जो 7 बजे से 8 बजे के बाद की हैं, उसमें लोग